नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का वीडियो है भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। जिन भाइयों के पास इनलाइन पंप वाले ट्रैक्टर हैं, तो भाइयों मेरे ट्रैक्टर की भी जो परफॉर्मेंस है वो लगभग लगभग भाइयों 40% तक ख़त्म हो चुकी थी। यानी कि ट्रैक्टर जोर तो लगाता था, लेकिन हाई चक्करों पर, हाई लोड पर ट्रैक्टर की बिल्कुल जो है परफॉर्मेंस 60% तक जो है रह गई थी, 40% ख़त्म हो चुकी थी। तो भाई जैसे ही सर्विस के दौरान हमने चेक करा, तो ये वापसी वाल जो है बदलनी पड़ी और एक ये पाइप। तो भाई वो मात्र इतने खर्चे से ट्रैक्टर पूरा 100/100 जोर लगाने लगा है। भाई पूरी वीडियो कंप्लीट देखना कि कितना खर्चा हुआ और क्या क्या इस वाल के ख़राब होने की निशानी है। भाई वो बहुत सारे मेरे भाई जो है, कमी कुछ भी नहीं होती और पंप उतारने की बहुत जल्दी करते हैं। और भाई कुछ पंप वाले ऐसे हैं, सबको मैं नहीं कहूँगा, कि जो किसान की इस ना जानकारी ना होने का फ़ायदा उठाते हैं। भाई ये मात्र लगभग 200-250 का मेरा खर्च हुआ है। क्या कमी थी वो मैं आपको बताता हूँ। भाई शुरू से दिखाता हूँ, ये वापसी वाल होती है जी यहाँ पे। तो भाई ये वापसी वाल होती है। तो वापसी वाल का क्या काम होता है भाई, जो पलिंजरों के ऊपर तेल आता है, ये इनलेट वाली सप्लाई आ गई यहाँ पे, तो इसको मेंटेन करके रखना होता है जी प्रेशर को, और जो बाकी का तेल है वो टंकी में भेज देते हैं ये। और जब ये वाल कट जाती है भाइयों, तो ट्रैक्टर जो है नॉर्मल चक्करों पे बहुत अच्छा जोर लगाता है, अंडरलोड सही चलता है, लेकिन जैसे ओवरलोड की बारी आती है तो ट्रैक्टर की आवाज़ फटने लगती है, लोड में खिंचाई, RPM ड्रॉप है जी, कोई भी समस्या आ सकती है। तो भाई ये देखो, इसे चेक करने का जो सबसे पहला तरीका है, जो कि ये देखो पंप में कोई भी जो है पूरा ये मुलायम चल रहा है, कोई यहाँ से आपको आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि ये वाल कट चुकी है। भाई पूरी वाल खोल के भी दिखाऊंगा कि कटे हुए की क्या निशानी है। लो जी, और लगभग मेरा ट्रैक्टर 1800 घंटे चल चुका है जी, और ये कभी भी कट जाती है। अब ये वाल कटी हुई है क्योंकि पंप में बिल्कुल कोई दम ही नहीं है। तो भाई अब इसको खोल लेते हैं और ओरिजिनल वाल लगाएंगे इसमें पूरी। ये आप देख लो, वार कोड वगैरह सब कुछ, बॉश की निशानियाँ, हर चीज़ इस पे लगी हुई है। भाई ओरिजिनल क्यों लगाएंगे, इसकी भी आगे वीडियो में बात करेंगे जी। तो भाई ये दोनों ही वाल हमें बिल्कुल एक सी लग रही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल वाल में अंदर भाई नीचे स्प्रिंग होता है और उसके ऊपर एक गोली होती है, जो कि ओरिजिनल लगाना चाहिए। ओरिजिनल इसलिए लगाना चाहिए भाई क्योंकि इसका स्प्रिंग की दाब की एक जो है लिमिट होती है, और उसके बाद प्रेशर को जो है रिलीज करना होता है टंकी के लिए, तेल में टंकी में तेल भेजना होता है वापस। लेकिन इसका अंदर से साइज कट चुका है भाई, इसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। अभी भाइयों को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, सिंपल बिल्कुल एंड सादे तरीके से। पूरा जो है डीजल जितना भरा हुआ था, नज़दीक दिखा दो बिल्कुल करके, ऑटो फोकस लगा दो। ये देखो इसमें ऊपर डीजल रुका हुआ है, कोई डीजल नीचे नहीं जा रहा, और इसमें जो है ये देखो पूरा जो डीजल वह जा रहा है। तो ये जो वाल है भाइयों, ये ख़राब हो चुकी है, इसका अंदर से सिस्टम कट चुका है, और ये वाली जो है नई वाल है। तो होगा क्या भाइयों, अंडरलोड ट्रैक्टर सही चलेगा, लेकिन जैसे ही पंप को ज़्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी प्लंजरों को, तो ये नहीं रोकेगा, नीचे निकाल देगा। तो उससे क्या होगा, कई ट्रैक्टरों की भाइयों देसी से देसी भाषा की बात करेंगे, बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर की गोड़ आवाज़ नहीं रही। गोड़ आवाज़ भाई हमारी देसी भाषा में बोला जाता है अच्छी आवाज़ को, तो उसका एकमात्र कारण यही होता है जी, ये वाला सिर्फ 120 रुपये का बोल्ट। और कुछ मेरे भाई जो है पंप वाले को दिखाते हैं, तो भाई सभी नहीं ऐसा करते, कुछ मेरे पंप वाले अच्छे भाई भी हैं, अच्छा काम करते हैं, किसानों के साथ धोखा नहीं करते, वो मात्र एक वापसी वाल बदल के ट्रैक्टर को ठीक कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे पंप वाले ऐसे भी हैं जो पूरे का पूरा पंप उतार लेते हैं नीचे, और भाई वाल बदल के थोड़ा बहुत और दिखा के प्लंजर प्लंजर चेंज करके, यानी अपनी लेबर भी बना लेते हैं और गैर जरूरी सामान पंप में डाल देते हैं। तो भाई अपना ट्रैक्टर लगभग 1800 घंटे चल चुका है। मेरा ये मानना है कि 1000 घंटे पे इसको सर्विस पे चेक जरूर करो ये पंप मार के। अगर पंप बहुत ही हल्का चल रहा है तो समझ लो कि वाल बदलने का टाइम आ गया। और भाई इसके जो आवाज़ में फ़र्क पड़ता है, तो हाई परफॉर्मेंस जब हम ब्रेक का लोड होता है, रोटावेटर पे ट्रैक्टर चलता है, तो उस टाइम पे इसकी जो है बहुत ज़्यादा, जब यानी कि जिस भी काम में डीजल की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, जैसे कि थ्रेशर मशीन है आपका, या PTO पे बहुत ज़्यादा हमें लोड डालना है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत आती है ट्रैक्टर में, आवाज़ गोड़ने लगती, आवाज़ फटने लगती है, ट्रैक्टर RPM ड्रॉप करने लगता है, क्योंकि
प्लिंजरों के ऊपर प्रॉपर तेल नहीं रुकता, तो भाई अब जो है पुरानी वाल को छोड़ के नई वाल में यहाँ पे लगा दूंगा, रोक लाई दूंगी। तो भाई वो वाल कर ली है हमने चेंज, तो अभी जो है पंप मार के दिखाता हूँ कि कैसी आवाज आएगी। पंप देखो कैडा हो जाएगा, ये इसकी आवाज है भाइयों, बिल्कुल एन अच्छे तरीके से आवाज, यानी कि अब ये पंप पूरा एन टाइट चलने लगा, दो तीन पंप मारते ही पंप पूरा टाइट हो गया है जी। तो इसको बड़े आराम से घर पे बदल सकते हैं जी। वाल का मसला तो हो गया भाइयों हल। अब जो आपको मैं अगली चीज दिखाऊंगा, तो भाइयों अगली चीज है ट्रैक्टर के पाइप। तो पाइपों में अक्सर क्या होता है जी कि वाइब्रेशन के कारण बहुत हल्की सी वो आ जाती है जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। अब इस पाइप के ऊपर हल्का हल्का मॉइस्चर जम रहा था, मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ये लीक है जी, ये जैसे नॉर्मल चक्कर करते थे ट्रैक्टर के तो बहुत ड्रॉप, हल्की सी ड्रॉप आती थी इसमें तेल की, और हाई चक्कर करते थे तो इसमें को हवा जानी स्टार्ट हो जाती थी, स्लो पे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इन दो चीज़ों का काम था भाई, मैं अपने ट्रैक्टर की सर्विस करी और सर्विस में इस वोल्ट का पता लगा, और मैं परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहा था ट्रैक्टर के। तो ये दो चीज़ें बदली भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर ध्यान रखा करो। ये जो वाल है जिनके ट्रैक्टर 500-700 घंटे चल चुके हैं, हर सर्विस पे मिस्त्री भाइयों को भी ये चाहिए कि भाई इसको पंप को चला के देखें, और अगर वाल सही से नहीं काम कर रही है तो केवल वाल बदलें भाई, बहुत जल्दी जो है पंप को ट्रैक्टर से ना उतारें। हाँ अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर उतारें भाई, पहले ये करके ज़रूर देख लें। और मैंने खुद देखा जी कि 1800 घंटे पे मेरे ट्रैक्टर की वाल ख़राब हुई है, तो मैंने सोचा कि 1000 घंटे पे 120 रुपए की चीज़ मात्र चीज़ है जो कि इतना फ़र्क डालती है ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस पे, तो इसको बदल देना चाहिए। तो भाई आज का वीडियो मैंने पूरी आपको समझाने की कोशिश करी, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, धन्यवाद।